The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. So, aaj hum baat karenge blood in urine. Peshab mein agar ब्लड आता है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हिमैट यूरिया दैट इज वेरी क्लेवर हिम मींस हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड इन यूरिन सो हिमैट यूरिया दिस इज अ गुड टेक्निक टू रिमेंबर सो अगर आपको लाल रंग का यूरिन आता है तो आप डर जाते हो कई बार लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज हार्मलेस Blood in urine can also be present in serious diseases. So that's why we're going to explain to you all the possible reasons and how you can find out whether you have a serious problem or not. So, hematuria, yane do prakar ke hote hain. Ek hota hai microscopic hematuria. Microscopic means ki jahan par doctor ko blood mila aapke urine mein, aapko nahi mila. आपको लाल रंग का यूरिन नहीं दिख रहा आपको नॉर्मल यूरिन दिख रहा है लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कहीं ना कहीं WBC RBCs है रेड ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स में ही हीमोग्लोबिन होता है सो RBCs अगर बहुत सारे मिल रहे हैं तो उसे हम माइक्रोस्कोप अगर सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हैं बाहर से नहीं तो उसको माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया बोलते हैं और बाहर से दिख रहा है तो वो फिर ग्रॉस हीमेचूरिया बोल सकते हैं This is gross hematuria होता है वो या तो pink या तो red या तो cola colored का urine हो सकता है cola भी हो सकता है depending upon red blood cells वो कितना oxidize हुआ है blood oxidize होकर black हो जाता है और बहुत कम मात्रा में blood में ही आपका लाल हो जाएगा urine और उसमें कोई bleeding में जरूरी नहीं है कि आपको दर्द होगा कई बार आपके क्लॉट्स भी निकल सकते हैं यूरिन के अंदर तो क्लॉट्स इन ब्लड इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सो व्हेन शुड यू सी अ डॉक्टर ओके दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन अगर आपको वो भी हम बताएंगे आपको कॉजेस से बात कर लेते पहले क्यों हो सकते हैं आपको ब्लीडिंग इन यूरिन नंबर वन रीजन इज योर किडनी ओके या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन किडनी एंड यूरिनरी प्लैट वहां से ब्लीडिंग आ सकती है तो किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा पहला है इन्फेक्शन यू कैन हैव किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन या तो देर इज इन्फेक्शन इन योर यूरेथ्रा ब्लैडर इस सब में किसी में भी इन्फेक्शन हो इट कैन कॉज बर्निंग पेन बर्निंग इन यूरिनेशन पेन इन यूरिनेशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्मेली यूरिन और साथ में ब्लड इन यूरिन ठीक है ओडर कई बार सिर्फ अकेला ओडर रहता है कई लोगों में और माइक्रोस्कोप के अंडर देखने से यूरिन में ब्लड दिखता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है आपको ब्लड ना दिखे माइक्रोस्कोप के अंडर दिखे सिर्फ बदबू आ रही है किडनी इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं उसमें भी ब्लड स्ट्रीम में आपके यूरिन के स्ट्रीम में और किडनी के ब्लड के स्ट्रीम में बैक्टीरिया आ सकते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर होता है ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से भी अगेन यू कैन हैव फ्लैंक में पेन हो सकता है फीवर हो सकता है दोस थिंग्स कैन हैपन ब्लैडर या किडनी के अंदर अगर स्टोन हो इन्फेक्शन के अलावा सेकेंड कॉज इज स्टोन स्टोन्स कैन कॉज क्योंकि मिनरल्स डिपॉजिट होके कॉन्सेंट्रेट करके तीखे तीखे स्टोन बना देते हैं वो तीखे तीखे स्टोन यहाँ वहाँ के क्रिस्टल को रगड़ रगड़ के किसी ना किसी को रगड़ के ब्लड ब्लीडिंग कर सकते हैं स्टोन्स वैसे पेनलेस होते हैं लेकिन कई बार वो ब्लॉक करके अगर वहां पे उसने घर्षण से सूजन किया तो वो पेन करेंगे बहुत ज्यादा फिर बैक प्रेशर से किडनी में सूजन आ जाती है किडनी में सूजन होगी किडनी के कैप्सूल स्ट्रेच होता है फिर पेन होता है देन देयर इज आल्सो अ रीजन कॉल्ड एनलार्ज्ड प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है जो 70-80 साल की उम्र में सबका होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी उस केस में यूरिन करने में भी डिफिकल्टी होती है और कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है देयर कैन बी ब्लड इन यूरिन आल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम
अपार्ट फ्रॉम दैट यू माइट हैव अ डिफिकल्टी इन यूरिन, उसके साथ में पेशाब नहीं निकल रहा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज अर्जेंसी बहुत लग रही है, परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आफ्टर पेशाब करने के बाद ड्रिबलिंग हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. प्रोस्टेटाइटिस के वजह से भी, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट में सूजन हो, दोनों केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड इन यूरिन. किडनी की और भी कई बीमारी है, जैसे किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दैट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन बट इन्फ्लामेशन. डायबिटीज़ के वजह से भी ग्लोमेरुलर सिस्टमिक किडनी डिजीज़ हो सकता है. किडनी में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हमने बताई, वेस्क्यूलाइटिस, IgA, नेफ्रोपैथी, दूसरी तीसरी कई सारी तरीके की बीमारियाँ, किडनी कोई भी बीमारी में ब्लीडिंग हो सकती है. कैंसर कैन बी देयर, कैंसर अगर किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, प्रोस्टेट में है, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग. अर्ली स्टेजेस में सिर्फ साइन हो सकता है ब्लीडिंग का, लेटर स्टेजेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है. इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है. एल्पॉट सिंड्रोम में ब्लीडिंग हो सकती है. किडनी में इंजरी हो जाए डायरेक्ट, शुम, उसमें भी इंजरी हो सकती है, फट फटा गई किडनी. तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के बाद, रेयर है लेकिन फिर भी आ सकता है, रेयरली, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में भी हिमैच्योरिया थोड़ा सा हो सकता है. रनर्स में ज़्यादातर होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ ले, मैराथन वैराथन, उसके बाद थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, डेट इज़ पॉसिबिलिटी. फिर कुछ मेडिसिन हैं, कुछ दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है. पेनिसिलिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, दैट कैन कॉज यूरिनरी ब्लीडिंग. विजिबल ब्लड कैन बी सीन बिकॉज ऑफ सम एंटीकोएगुलेंट ऑल्सो, वॉरफरीन या ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं. डिहाइड्रेटेड है बहुत ज़्यादा आप, एस्पिरिन, ब्लड थिनर जैसी चीज़ें ले रहे हैं, दोज थिंग्स कैन कॉज ब्लीडिंग. तो ये सारे कारण हो गए ब्लीडिंग के. जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको रिसेंट है फैमिली, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री है, उनको रिस्क रहेगा इसी तरीके की ब्लीडिंग का. सो ब्लीडिंग होती है तो आपको करना क्या है, डॉक्टर के पास जाना है. अगर आपको डाउट लग रहा है, डॉक्टर करेगा क्या, डॉक्टर क्या करेगा, आपका यूरिन टेस्ट करेगा. यूरिन टेस्ट में पता चलेगा, यूरिन एनालिसिस, रूटीन माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन, कि भाई उसमें कितना एसिड, कितना बेस, कितना कोई मिनरल, कोई प्रेजेंट, कोई स्टोन, कोई क्रिस्टल्स, कोई ब्लड, RBC कितना, लिम्फोसाइट कितना, ब्लीड तो लिम्फोसाइट ज़्यादा है, पस सेल्स है तो इन्फेक्शन है, RBC साथ में है तो इन्फेक्शन की वजह से है, सिर्फ RBC है और क्रिस्टल्स हैं तो स्टोन की वजह से है. सो यूरिन आ रहे हैं, ₹50 का टेस्ट भी एक आइडिया दे सकता है. देन वी हैव टू डू अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं आपके KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, इनका, जिनसे हमें पता चलता है वहाँ कोई स्टोन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी में स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समथिंग समथिंग समथिंग. सो अल्ट्रासाउंड कैन बी डन, सीटी स्कैन कैन बी डन, MRI कैन बी डन. तो इन सबसे अंदर के स्ट्रक्चर्स में कोई फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है. अल्टीमेटली अगर हमें डाउट लग रहा है तो हम सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, मतलब पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के देख सकते हैं, दूरबीन डाल के, कि भाई आपके रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जैसे एंडोस्कोपी होती है वैसे नीचे से सिस्टोस्कोपी होती है. इट्स अ वेरी टाइनी कैमरा, इन थ्रू योर यूरेथ्रा इन टू योर ब्लैडर, कैन इवन गो अप इन टू द यूरेटर्स इन टू द किडनी ऑल्सो. कभी कभी कारण ही नहीं मिलता क्यों ब्लीडिंग हो रही है, कुछ नहीं समझ आता. तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइक स्मोकिंग, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, रेडिएशन एक्सपोजर, वी डोंट नो. कई बार वो अभी सब सटल कैंसर होता है, अभी निकल के नहीं आया बाहर, हो सकता है बाद में आए, सो वी डोंट नो दैट. फिर ऐसा है तो ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली जो कारण है उसका ट्रीटमेंट, स्टोन है तो स्टोन का ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, राइट. अगर चोट लगी है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है तो रेस्ट, अलॉट ऑफ फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन है तो पानी. सो अब अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीटमेंट इज देयर, ठीक है. अगर स्टोन बहुत बड़ा है और वो ऑपरेशन का नहीं करता, तो शॉक वेव थेरेपी है स्टोन्स को तोड़ने के लिए, ब्लैडर के या किडनी के, राइट. कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है स्टोन में या कोई पस हो गई किडनी में, ऐसी कोई चीज़ों में. सो ट्रीटमेंट इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द कॉज. सो अल्टीमेटली फाइंडिंग द कॉज इज द सोल्यूशन, नॉट जस्ट टेकिंग एन अल्कलाइजर. और कई लोग सिर्फ अल्कलाइज सोल्यूशन ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, हो भी जाता है कई लोगों में बिकॉज माइनर इश्यूज होते हैं. बट अल्टीमेटली इफ इट इज परसिस्टेंट, बार बार ब्लड आ रहा है, डोंट इग्नोर इट, गेट इट इवेल्युएटेड. नाउ टू कैन यू प्रिवेंट इट, कैन यू, इज इट इम्पॉर्टेंट, यस इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट इट. डोंट टेक अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स किडनी के इन्फेक्शंस, और अवॉइड करें अननेसेसरी पेन किलर्स मत लीजिए, दैट कैन ऑल्सो बी वेरी हार्मफुल ऑन योर किडनीज. मल्टी विटामिन्स के डोसेजेस, मल्टी विटामिन्स कैन ऑल्सो लीड टू डिसकलरेशन ऑफ यूरिन. सो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आप कोई कैरोटनाइज बेस्ड मल्टी विटामिन तो नहीं ले रहे, दैट कैन ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग और रेड कलर्ड यूरिन, पिंक और रेड, और समटाइम्स ऑरेंज कलर्ड यूरिन बिकॉज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स मल्टी विटामिन्स.
So that's all about blood in urine. I hope this solves your queries. आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, अपना यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन EGFR माइक्रोस्कोपिक हिमैच्यूरिया के लिए और माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया के टेस्ट कर सकते हैं. तो देर आर सो मेनी टेस्ट टू बी डन. यू वांट टू गेट टेस्ट डन तो टेस्ट कराइए, और कोई सवाल है तो यहाँ लिखिए. और किडनी के सारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे किडनी बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर सर्च करें. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.